नमस्कार आदाब सत श्रीकाल एंड वेलकम टू ऑलोपीडिया और मैं हूं प्रदीप आज है प्रीमियर प्रो ट्यूटोरियल सीरीज की क्लास 11 और ये वीडियो एडिटिंग टूल्स का वॉल्यूम सिक्स है इसमें आज हम बात करेंगे पेन टूल एंड और भी बहुत कुछ इस वीडियो को देखने के बाद आप पेन टूल का यूज़ किसी भी एप्लीकेशन जैसे प्रीमियर प्रो आफ्टर इफेक्ट फोटोशॉप फिल्मोरा दिनची में ईजिली कर सकते हैं लेट्स स्टार्ट द वीडियो ओके एंड वेलकम बैक आज हम जिस टूल के बारे में बात करने वाले हैं वो है पेन टूल एक्चुअली पेन टूल है क्या जस्ट लाइक फोटोशॉप आफ्टर इफेक्ट प्रीमियर प्रो में बहुत से ड्राइंग टूल हैं उनमें एक है पेन टूल जिसकी हेल्प से हम क्रिएट कर सकते हैं ट्रांजिशंस ऑडियो एंड वीडियो इफेक्ट्स स्ट्रेट और कर्उ पाथ मास्क ऑब्जेक्ट और फ्रेम इन कलर करेक्ट सेक्शन लेट्स एक्सप्लोर पेन टूल इन दिस क्लास मास्किंग एडिटिंग की एक ऐसी मैजिकल टेक्निक है जो ऑलमोस्ट हर वीडियो या फिल्म में यूज होती है इन फॉर्म ऑफ ट्रांजिशन स्काई रिप्लेसमेंट स्क्रीन रिप्लेसमेंट टाइटल एनिमेशन ऑन स्क्रीन डबल और भी बहुत कुछ स्टूडियोज में ग्रीन स्क्रीन के आगे एक्शन को शूट करते हैं एंड फिर मास्किंग और किंग से सब्जेक्ट को उसके बैकग्राउंड से स्प्लिट करके एक नई दुनिया क्रिएट करते हैं बाय एडिंग कस्टम एलिमेंट्स इन सीन प्रोसेस इज कॉल्ड कंपोजिटिंग और हाँ, ये सब हम अपने आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे अभी हम स्टार्ट करते हैं पेन टूल कैसे यूज करते हैं इसके लिए सिंपली मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, या प्रेस करूँगा पी पी इसका कीवर्ड शॉर्टकट है और मैं यही चाहता हूँ कि आप माउस से क्लिक ना करें याद रखें लेटर पी फॉर पेन टूल नाउ चलते हैं प्रोग्राम मोनीटर में कुछ ड्रॉ करते हैं सपोज ये पॉइंट है ए एंड अनदर पॉइंट इज बी पेन टूल से हम इनके बीच में एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं सिंपली और ये लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है और इसमें कर्व भी हो सकता है यही है पेन टूल का फंडामेंटल यानी बेसिक बट हम क्रिएटिविटी को एक्सटेंड करके कोई भी कॉम्प्लेक्स शेप पाथ या और भी बहुत कुछ ड्रॉ कर सकते हैं आप सभी शेप्स तो जानते ही हैं द क्वेश्चन इज वट इज पाथ पाथ इज ए लाइन विद नो थिकनेस यानी पाथ एक लाइन है जिसकी कोई थिकनेस नहीं है हम अगर पाथ बनाते हैं और इसे सेव करते हैं बट ये इमेज विजिबल नहीं होगी एंड अगर हम चाहते हैं कि ये विजिबल हो तो हमें इसकी थिकनेस को इंक्रीज करना होगा उसके लिए हम जाएंगे इफेक्ट कंट्रोल देन शेप और यहां से स्ट्रोक थिकनेस इंक्रीज कर देंगे और अब इसे सेव करेंगे तो ये इमेज विजिबल होगी स्ट्रेट पाथ बनाने के लिए सिंपली एक पॉइंट पर क्लिक करेंगे देन सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड सो ऑन एंड लास्ट में स्टार्टिंग पॉइंट पर क्लिक कर इसे ज्वाइन कर देंगे जैसे सर्किट कंप्लीट होगा यानी शेप कंप्लीट हो जाएगी और कर्व बनाने के लिए एक पॉइंट पर क्लिक करते हैं और सेकेंड पॉइंट पर क्लिक एंड ड्रैग करेंगे इस तरह और ये क्या है दिस इज हैंडल हैंडल से हम कर्व की डिग्री या आर्क सेट कर सकते हैं डिग्री मीन्स थर्टी फोर्टी फाइव सिक्सटी अगर मैं हैंडल को रोटेट करता हूँ तो ये देखो आर्क की डिग्री चेंज हो जाएगी हैंडल जितना लॉन्ग होगा लेंथ ही होगा डिग्री चेंज होने की इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे हैंडल्स का हमने यूज़ किया है तो इस तरह से हम पेन टूल से कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं या सिलेक्शन कर सकते हैं फ्रेंड्स क्या आप अपने कंप्यूटर स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं क्या आप एमएस ऑफिस के सभी फीचर्स को आसानी से समझना चाहते हैं क्या आप अपने स्किल्स को बिगनर से एडवांस लेवल तक ले जाना चाहते हैं क्या आप विंडोज एक् के मजेदार टिप्स एंड ट्रिक्स सीखना चाहते हैं अगर हाँ तो सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल कंप्यूटर एक्सपर्ट को जहां मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि कैसे आप इन सब कामों को आसानी से कर सकते हैं और फॉलो करें मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट कंप्यूटर एक्सपर्ट पर मुझसे जुड़ें और एक्सपर्ट बने एंड आई होप कि आपको मेरा काम पसंद आएगा इसलिए मुझे सपोर्ट कीजिए कंप्यूटर एक्सपर्ट पर थैंक्स बट इफ मैं मास्क क्रिएट करना चाहता हूं तो फर्स्टली सिलेक्ट करूंगा क्लिप को देन गो टू इफेक्ट पैनल और यहां ऑपोजिट सेक्शन में पेन टूल को सिलेक्ट करता हूं देन प्रोग्राम मॉनिटर में क्लिक करते हुए एक मास्क क्रिएट कर दूंगा इसे कहते हैं मास्किंग ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है इसके लिए मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा पेन टूल से हम कस्टम ट्रांजिशन भी बना सकते हैं लेट्स सी। टाइमलाइन पर ये दो वीडियो हैं इनके बीच में ट्रांजिशन लगानी है यहां पर यह एफेक्ट्स दिख रहा है इस पर राइट right क्लिक करेंगे और यहां से कोई भी इफेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं जिसको भी हम अल्टर करना चाहते हैं एंड आओ मैं क्लिक करूंगा इस लाइन पर अगर ये लाइन भी आपको विजिबल नहीं हो रही है तो डोंट वरी आपको क्लिक करना है इस रेंच वाले आइकन पर और यहां पर शो वीडियो की फ्रेम्स पर चेक लगा देना है मैं यहां पर एक की फ्रेम लगाता हूं और एक की फ्रेम यहां पर लगाता हूं और इस वाले की फ्रेम को ड्रैग डाउन कर देता हूं यू सी ऑपेसिटी डिक्रीजिंग ग्रेजुअली बट अभी ट्रांजिशन कंप्लीट नहीं है इसको कंप्लीट करने के लिए मैं सेकेंड क्लिप पर भी दो की फ्रेम लगाता हूं इस तरह सेम इस वाले की फ्रेम को नीचे ड्रैग कर देता हूं ओके okay, प्ले करते हैं नाउ यू सी वीडियो ऑपेसिटी डिक्रीजिंग ग्रेजुअली एंड देन इंक्रीजिंग ग्रेजुअली तो ये हमारी ट्रांजिशन कंप्लीट हो गई है इसका एक और यूज करते हैं नाउ प्ले करते हैं इस वीडियो को यू सी वीडियो स्टॉप सडनली अब ये देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा तो वीडियो के लास्ट में दो की फ्रेम एड करता हूं वन बाय वन एंड देन लास्ट वाले की फ्रेम को ड्रैग करके नीचे कर देता हूं इससे इस क्लिप की ओपेसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाएगी ओपेसिटी इसलिए क्योंकि मैंने इफेक्ट पेनल से Opacity को सिलेक्ट किया था नाउ प्ले करते हैं यू सी हेयर वीडियो ऑपेसिटी डिक्रीजिंग ग्रेजुअली इट लुक्स ग्रेट और यह सेम टेक्निक सेलेक्ट करता हूं लेवल ओके नाउ में क्लिक करता हूं यहां पर एंड देन यहां पर यहां देखो दो की फ्रेम एड हो गए हैं अब यहां से ड्रैकडाउन करता हूं एंड नाउ आई प्ले बैक वॉल्यूम डिक्रीजिंग ग्रेजुअली और इनकी हेल्प से हम अपने वीडियो की एंडिंग इंटरेस्टिंग बना सकते हैं एंड जब हम वीडियो एडिटिंग कर रहे होते हैं और हम बार बार टूल को स्विच करना नहीं चाहते और हम ज्यादातर सेलेक्शन टूल ही यूज करते हैं एडिटिंग के टाइम पर और मैं चाहता हूं इस क्लिप की ओपेसिटी डिक्रीज करना तो मैं की बोर्ड से प्रेस करूंगा कंट्रोल एंड माउस का लेफ्ट क्लिक करूंगा उस पॉइंट पर जहाँ पर की फ्रेम को ऐड करना है सेम एक और की फ्रेम ऐड करूँगा एंड वाले की फ्रेम को ड्रैग डाउन करूँगा यू सी हियर वीडियो ऑपेसिटी डिक्रीजिंग ग्रेजुअली मैंने सेम इफेक्ट क्रिएट किया बट विदाउट पेन टूल। और इसी तरह से इसे ऑडियो के लिए भी यूज़ कर सकते हैं तो यह था वीडियो ऑल ऑलोबर टूल्स सीरीज का वॉल्यूम सिक्स इसमें आज हमने देखा कि पेन टूल क्या है और इसकी हेल्प से हम कैसे वीडियो एडिटिंग को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और डाउट अबाउट पेन टूल फील फ्री टू कमेंट में आई होप आप लोगों को यह क्लास भी पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय